हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 4 इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट केक इन वेरी इजी एंड क्विक वे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे बनाते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट्स, तो आप अपनी फेवरेट कोई भी चॉकलेट्स ले लें। मैंने लिया है हर्सेस होल आलमंड इन चॉकलेट फ्लेवर। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसके हर एक बाइट में आलमंड का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप अपनी फेवरेट चॉकलेट्स डाल सकते हो। मैंने एक पैकेट पूरा एंड हाफ पीस चॉकलेट डाला है। इसे हमें एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेनी है, या फिर इसे आप डबल बॉयलिंग मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इनमें हम डालेंगे फिर से अपनी फेवरेट कुकीज़ यानी फेवरेट बिस्किट्स। मैंने यहाँ पे 2 बिस्किट्स के पैकेट्स लिया है, 30-30 रुपीस वाले हाइड एंड सीक एंड ओरियो। तो हाइड एंड सीक से मैंने लिए हैं 10-12 पीसेस एंड ओरियो से हमें लेना है 6-7 पीसेस। ओरियो बिस्किट के अंदर वाले क्रीम को निकाल के साइड कर लेंगे। इसे हम एज अ केक डेकोरेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, अगर आप चाहे तो क्रीम ना हटाए। तो इसी तरह से मैंने कुछ बिस्किट्स के क्रीम को साइड कर लिया है। अब हम सारे बिस्किट्स को एक साथ मिक्सी में फाइन ग्राइंड कर लेंगे, थोड़े से भी मोटे पीसेस ना रह जाए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिस्किट्स का जो हमने पाउडर बनाया था, अब इसे हम ऐड कर देंगे मेल्टेड चॉकलेट में। थोड़े थोड़े करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इनमें हम डालेंगे मिल्क। मिल्क हमें यहाँ पे टोटल ऐड करना है 1/4 कप। अगर मिक्सचर थोड़ा सा भी थिक लगे तो आप इनमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। फिर इनमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो एग भी डाल सकते हैं सुपर टेस्टी एंड फ्लफीनेस के लिए। वैसे हमारा केक भी सुपर टेस्टी एंड फ्लफी ही था, वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। वेल, इतना कुछ करने के बाद हमें इसे अब ट्रांसफ़र कर देना है केक टिन में। केक टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर ले, बटर पेपर लगा के पहले से ही रेडी कर ले। केक बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम विदाउट ओवन यानी के गैस पे बेक करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे 15-20 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर से कि ये कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी बना था। केक में हमने शुगर का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही लाइट एंड इजी तरीके से बनके रेडी होता है। तो चलिए इसे अब हम डेकोरेट करते हैं। ऊपर से मैंने डाला है चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर मैंने क्रीम के छोटे छोटे बॉल्स बना के चारों तरफ डाला है। फिर टॉप पे कलरफुल शुगर क्रिस्टल स्प्रिंकल करेंगे, चारों तरफ थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे एंड ये हमारा इजी क्विक टेस्टी सॉफ्ट चॉकलेट केक रेडी है। आप इसे बर्थडे पार्टी या फिर कभी केक बनाने का मन करे तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट यम्मी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।